चंबा जिला में सुंडला तेलका मार्ग पर शुक्रवार को एक बड़ा बस हादसा होने से टल गया। शुक्रवार शाम के समय सुंडला की ओर से एक निजी बस तेलका की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि जब बस तेलका के समीप काली मोड़ में पहुंची तो बाइक को पास देने लगी। इस दौरान सामने से भी एक बाइक आ गई। ऐसे में बाइक को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई, जिसे चालक ने सूझबूझ के साथ दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा लिया। लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर बस हवा में लटकी वहां पर काफी तंग जगह थी। ऐसे में जगह तंग होने के कारण जब सामने से बाइक आई तो उसे बचाने के चक्कर में ही बस के अगले टायर सड़क से बाहर चले गए। जिस समय बस हवा में लटकी उस वक्त उसमें करीब 12 सवारियां मौजूद थी। काली मोड़ से निचली तरफ गहरी खाई है। यदि चालक ने सूझबूझ के साथ काम न लिया होता तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बस के हवा में लटकने के बाद लोगों द्वारा सवारियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। इसके उपरांत बस को ट्रक की सहायता से खींचने का कार्य शुरू हुआ। यदि बस हवा में नहीं लटकती या फिर तेज गति के साथ चल रही होती तो सीधे गहरी खाई में गिर सकती थी, जिससे सवारियों सहित चालक व परिचालक की जान पर बन सकती थी। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।